आज हम बनाएंगे सच्चा साबू साबूदाना हनी चिली फ्राइज। इसके लिए हमें चाहिए सच्चा साबू का साबूदाना। आधा कप सच्चा साबू साबूदाना लें। इसे 2 कप पानी में 3 घंटे के लिए भिगो लें। एक बड़े कटोरे में उबले हुए आलू लें। इसमें 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालें। 1 चम्मच की हेल्प से इसे अच्छे से मैश कर लें। इसमें भीगा हुआ सच्चा साबू साबूदाना डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिला लें। बेकिंग पेपर पर साबूदाना और आलू के मिक्सचर को फैला दें। हमें इसे कम से कम 1/2 इंच मोटा रखना है। साबूदाना के मिक्सचर को फिंगर्स के शेप में कट कर लें। शैलो फ्राई करने के लिए तेल गरम करें। इसमें साबूदाना फिंगर्स को डाल दें। हमें इन्हें कुरकुरा होने तक मंदी आंच पर पकाना है। एक ओर से गुलाबी रंग आने पर पलटकर दूसरी ओर से भी पका लें। तले हुए साबूदाना फिंगर्स को निकालकर अलग रख लें। पैन में 1 छोटा चम्मच तेल छोड़ दें। इसके अंदर 1 छोटा चम्मच गार्लिक और 1 छोटा चम्मच सेसमे सीड्स डालें। 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डालें और अच्छे से मिला लें। हमें इसे 1 मिनट के लिए मंदी आंच पर पकाना है। इसमें तले हुए साबूदाना फिंगर्स डालें, 1 छोटा चम्मच शहद और 1 छोटा चम्मच हरी प्याज पत्ती डालकर अच्छे से मिला लें। सच्चा साबू साबूदाना हनी चिली फ्राइज बनकर तैयार है। इन्हें तुरंत परोसें।